हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वर्ल्ड। गाइस, एग्जाम वर्ल्ड की बड़ी सफलता जो आपने पीछे अभी देखा, आज हम उस सफलता के बारे में चर्चा ना करके अब अगले स्टेप्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही हैं, खासकर जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, अपना अपना जो एनरोलमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपके सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो रिजल्ट्स जो बाकी पड़े हुए थे आपका एम टेक का डिक्लेयर हो चुका है, आज ही डिक्लेयर हुआ है। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कब तक आएगा, तो मेरा आइडिया था कि वेडनेसडे तक, लेकिन वो मंडे तक ही आ गया। तो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुका है। पीजी डिप्लोमा जो है उसके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं, और जो प्रोफेंसी सर्टिफिकेट्स कोर्सेज हैं उनके रिजल्ट, जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी है, ये रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो एमटेक के स्टूडेंट हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। रिजल्ट चेक कर लें अगर नहीं किया अभी तक, तो पीजी डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं वो भी चेक कर लें, जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं वो भी अपने रिजल्ट चेक कर लें। रिजल्ट चेक करने का प्रोसेस ऑलरेडी बहुत ही ईजी सा है। आप JNU कि जो वेबसाइट, उस पर जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आपसे एक सीक्रेट कोड आपको तैयार करना होगा, और उसके बाद आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। द वेरी सिंपल फंडा, ठीक है। उसकी अगर आप देखना चाहें तो वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आप मास्टर्स की बात करें, सभी के अंदर फी पेमेंट वाला लिंक ओपन हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फी पेमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। मेरी खुद की एक सिस्टर है, उसका भी फी मुझे दो बार पे करना पड़ा। तो इट्स नॉर्मल, अगर दो बार भी करना पड़ा तो कोई इलाज नहीं, करना पड़ेगा। हो सकता है उनके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन फी आपको पे करना होगा। उसके साथ फी पे करने के बाद अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल वाली जो ऑप्शन है उस पर आप यस करें, ताकि आपको जब भी हॉस्टल की लिस्ट आए तो आपको हॉस्टल मिल सके। अब हॉस्टल से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स पर मैं आऊँगा बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पे जिन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशल एक्सटेंशन फॉर्म। ये वीडियो टोटली मैनली जो बेस्ड है वो एक्सटेंशन फॉर्म से जुड़ा हुआ है। एक्सटेंशन फॉर्म बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिया है, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं। आपके पास मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस भी चीज़ का डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, सपोज दैट आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपके रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए, तो आपके पास मार्कशीट नहीं है, आपकी बोर्ड, आपका जो बोर्ड है वो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिलीज नहीं करके दिया है अभी तक, उसका आपको वेट है, सारी चीज़ों का एक सॉल्यूशन है सिंपल सा। आप एक्सटेंशन फॉर्म डाउनलोड करिए, उसमें अपना जो भी इश्यू है, मान लो आपका माइग्रेशन नहीं है, वो डालिए उसमें, कॉज डाल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका अभी तक नहीं आया, वो डिटेल्स आप जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि आखिर से अपलोड कहाँ करें, मेल करें, क्या करें, क्या ना करें। देखिए, जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, सपोज दैट आपके पास कैरेक्टर नहीं है, तो आपके पास ये माइग्रेशन नहीं है, जहाँ पे जिस भी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन बना हुआ है जहाँ पे अपलोड करना है, सपोज दैट मार्कशीट अपलोड करनी है और आपके पास मार्कशीट ही नहीं है, तो आप क्या करिए, एक माइग्रेशन जो एक्सटेंशन फॉर्म लीजिए, उसमें अपना मार्कशीट से रिलेटेड डिटेल भरिए कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, रिजल्ट्स नहीं आए, जो भी इशू है वो भरिए उसमें, और उसकी जगह उसे अपलोड कर दीजिए मार्कशीट वाले कॉलम में, ठीक है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। 15 दिन के लिए है अभी तक, 15 दिसंबर तक एक्सटेंशन मिल रहा है, तो ये जो एक्सटेंशन फॉर्म वाला है बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है सभी का, कि क्या करना है, बार बार कह रहे सर वीडियो डाल दीजिए इस पर। तो इसका आपको किसी को मेल नहीं करना है, डायरेक्ट उस कॉलम में जाके अपलोड कर देना है जिस कॉलम का डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आए तो हमारे नंबर ऑलरेडी सामने आपके लिखे हुए हैं, मोस्टली जितने भी कॉल आ रहे हैं सबको हम असिस्टेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे छूट जा रहे हैं कि जिनको हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास। सो जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर ले, कोशिश रहेगी कि उनको मैं बता सकूँ कि क्या करना है, किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं बात करता हूँ कि आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं है, सपोज दैट कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, कॉलेज आपका बहुत ज़्यादा दूर है, या फिर कोरोना जैसी कंडीशंस हैं, उसका प्रॉब्लम एक एक तो हो गया, एक्सटेंशन ले लीजिए 15 दिन का, ठीक है।
15 दिसंबर तक एक्सटेंशन मिल गया। दूसरा क्या है, अगर आपका कॉलेज माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिलीज नहीं करता, देता नहीं है, उस यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशन में माइग्रेशन नहीं है, दिस नॉट ए बिग प्रॉब्लम। आप कॉलेज जाइए, उनसे वो हेड, वहाँ के जो आपके कॉलेज के हेड होंगे उनसे वो लिखवा लीजिए कि सर ये हमें अपलोड करना है, तो अगर वो मिल जाता है तो मच बेटर। अदरवाइज आप नॉर्मल जो एक एफिडेविट है उसे उस जगह अपलोड कर दीजिए अपना रीजन लिख के, ठीक है, वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व है। अब यहाँ से जुड़ा हुआ माइग्रेशन से हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं बना है, बहुत सारे बोल रहे हैं सर हमने अप्लाई EWS में किया है लेकिन हम सिलेक्ट हुए हैं UR में। आपने जिसमें अप्लाई किया है वो सर्टिफिकेट आपको 100% वहां पे अपलोड करना, किसी भी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप OBC से आपने अप्लाई किया था, आप UR में सिलेक्टेड है, नो प्रॉब्लम, आपको OBC अपलोड करना होगा। आप EWS में अप्लाई किया है, UR सिलेक्टेड है, नो प्रॉब्लम, आपको OBC अपलोड करना होगा, क्लियर है। मतलब जिस भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट को वहां अपलोड करना होगा, नहीं आपके पास एक्सटेंशन लीजिए, एक्सटेंशन फॉर्म निकालिए, उसको भरिए और उसके जगह अपलोड कर दीजिए जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। आई थिंक किसी को अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मेरे से पूछ रहे थे कि जब हम बैचलर की बात करते हैं तो वहां पे जो BA के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है कि BSc या MS, जो BSc बैचलर का डिग्री है वो मांगा है। ये पहली बात तो उनके लिए है स्पेशली जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा है। मैंने पहले ही बोला था JNU BA में ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो मास्टर्स कर चुके हैं, तो वो लैंग्वेज करने आते हैं वहां पे, उनके लिए ऑप्शन बना के दे रखा है। अब वहां पे क्या कि रेड स्टार मैंडेटरी कर रखा है, कंपलसरी बनना। अब 12वीं जिसने पास किया उसके पास तो अवेलेबल नहीं है ना वो सर्टिफिकेट, तो या तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये खुद उसको हटाएगी, अदरवाइज वहां पे आपके पास जो 12th सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे डर रहे हैं कि क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने +2 किया है, आपके पास और सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसमें वो अपलोड कर दीजिए, कहानी खत्म होती है। तो एक्सटेंशन हो गया आपका, रिजल्ट इनके MTech के MPH मास्टर पब्लिक हेल्थ हो गया, आपका PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेसर जो इनके आप रिजल्ट्स चेक कर लीजिए आ गए हैं। फी पेमेंट वगैरह भी शायद ओपन होने वाले हैं, जिनका नहीं हुआ वो वेट करें, जल्दी ही ओपन हो जाएगा, और जिनकी फी पेमेंट्स हो गई वो डॉक्यूमेंट फटाफट अपलोड कर दें, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 2nd of December है, 2 दिसंबर इनको अपलोड करने की लास्ट डेट है फी पेमेंट करने की और डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने की। उसके बाद आपके पास जो 3rd स्टेप होगा वो प्री एनरोलमेंट फॉर्म होगा, क्लियर है। तो अब भी किसी को कोई डाउट है तो वो इन नंबर पे व्हाट्सएप करें, और साथ ही मैं बता दूं जो न्यू क्लासेस हैं स्टूडेंट्स बैचलर्स की एंड मास्टर्स की भी अब स्टार्ट होने वाली हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं दिस इज बैड लक कि उन्हें फेल होना पड़ा किसी, या तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं, मेन वही होता है प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, बहुत लक होता है कि किनारे जाके रह जाते हैं। सो एग्जाम वर्ड की जो पूरी न्यू टीम तैयार हो रही है, टॉप जो एजुकेटर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं अब, तो जल्दी ही वो भी आपके सामने होंगे। और क्लासेस यहाँ पे बैचलर्स की 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 10th of December है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे नीचे गूगल फॉर्म दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। और बात रही बहुत सारे जो स्टूडेंट्स की जिनके सिलेक्शंस हुए हैं उनके, धीरे धीरे जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी कि उन्होंने कैसे तैयारी की। कहीं ना कहीं हमने भी बहुत मेहनत की थी, 3-3 घंटे हमने 4-4 घंटे एक साथ लाइव क्लासेस दी हैं, और कहीं ना कहीं उसका हमें जो एक एडवांटेज है वो देखने को मिला रिजल्ट्स में। और जो एक 90 स्टूडेंट्स ने लाइव क्लासेस ली थी उनमें से 40 अबव सिलेक्शन होना बड़ी बात थी हमारे लिए। अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आपने हम पे विश्वास किया और एक जो एक सपोर्ट दिखाया उसके लिए, और हमने कोशिश किया कि आपको रिजल्ट देने की कोशिश की जाए, मेहनत की जाए आपके साथ मिलके, तो उसके रिजल्ट्स आपने दिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। एंड इससे रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है एक्सटेंशन फॉर्म वगैरह, मैं फिर से लास्ट टाइम बता देता हूँ, एक्सटेंशन फॉर्म को आपको वहां अपलोड करना है जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, उस डॉक्यूमेंट के कॉलम में एक्सटेंशन फॉर्म अपलोड कर दीजिए, ठीक है।